बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मच्छरों को लेकर। मैं सोते समय जब आपको मच्छर काटता होगा तो आपको लगता होगा कि ये क्या हो गया है, सोने भी नहीं दे रहा है चैन से। मच्छर तब सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है जब रात के समय लाइट बंद हो जाए और पंखा भी बंद हो जाए, तो इन मच्छरों का आतंक सही मामले में देखने को मिलता है। ऐसे में आपके मन में यह लगता है कि जितनी जल्दी हो मच्छर यहाँ से भाग जाए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर मच्छर इस धरती से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि यह क्या कह रहा है, यानी कि यह किस तरह की बातें कर रही है। आपको लग रहा होगा कि यह किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो बिना मतलब की बात हुई। लेकिन ज़रा बात को आप शांत दिमाग से सोचिए कि अगर सच में धरती से मच्छर गायब हो जाए तो क्या इसका असर हमारे आसपास के वातावरण और हमारे समाज पर पड़ेगा। हम इस पूरे मामले को लेकर तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह मच्छर है क्या। कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को द कन्वर्सेशन वेबसाइट के हवाले से चलाया है, बताया है कि मच्छर कीड़ों की तरह से एक कलंक की एक प्रजाति है। इसको फ्लाई यानी कि उड़ने वाली श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसके बारे में यह बताया गया है कि छोटे मच्छर और बड़े मच्छर में काफ़ी अंतर होता है, खासकर इसके लार्वा में अंतर देखने को मिलता है। इन्हीं की प्रजाति में मधुमक्खी या फिर हम हड्डा भी इसको रख सकते हैं। इसके चार पंख होते हैं जबकि मच्छरों के दो पंख होते हैं। अगर हम इसकी प्रकृति को देखेंगे तो कई ऐसे फ्लाई होते हैं जो कि काटने वाली होती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। ऐसे में फ्लाई को हॉर्स फ्लाई कहते हैं। आपको बता दें कि इस समूह में मच्छर सबसे छोटी प्रजाति आती है। अगर हम देश दुनिया में मच्छरों की प्रजातियों का जिक्र करेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान में 3500 ऐसी प्रजातियां हैं जो हर एक के से अलग है। कुछ मच्छर की प्रजातियां देर रात में एक्टिव होती हैं तो कुछ दिन में। हम सभी जानते हैं कि मादा मच्छर इंसानों का खून चूसती है यानी खून पीती है, जिससे कि वो अंडे देती है। अगर नर मच्छर जिंदा रहने के लिए फूल का जूस पीते हैं, मादा मच्छर के काटने से कई तरह की बीमारियां हो जाती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मच्छरों में सबसे ज़्यादा जानलेवा है यह मादा मच्छर, जिसमें कि मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। अब बात कर लेते हैं उस सवाल पर जिसके लिए यह पूरा वीडियो बनाया गया है। हमने आपको पहले ही बताया कि धरती पर कई ऐसे मच्छर हैं जो कि खतरनाक है। अगर ये धरती से गायब हो जाते हैं तो यह आम आदमी के लिए लाभदायक है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए यह लाभदायक है। लेकिन अगर यह पूरा मच्छर की जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाए तो पर्यावरण और इकोसिस्टम पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कई ऐसे जीव हैं जो कि मच्छरों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटी, मकड़ी, छिपकलियाँ, चमगादड़ आदि मच्छर का सेवन करते हैं या फिर उनके लार्वा का वो सेवन करते हैं। ऐसे में अगर धरती से मच्छर गायब हो जाए तो कीट पतंगों के भोजन पर आफत आ जाएगी, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि कई ऐसे मच्छर हैं जो कि पौधों को परागण में भी मदद करते हैं, जिसमें कि पौधे अलग अलग स्थानों पर उग जाते हैं। तो एक तो कह लें कि मच्छर जितना हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है काटने को लेकर, खास करके रात में सोने समय जब कान के आसपास भिनभिनाता है और उसके बाद जब उसकी चुभन जो काटने वाली होती है उससे लोगों के सोते समय आंखों की नींद खुल जाती है। लेकिन उसका एक दूसरा जो तरीका हमने ये भी जाना कि अगर वो पूरी प्रजाति उसकी खत्म हो जाए तो हमारे जीवन पे, हमारे वातावरण पे, इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी हमने इस वीडियो में जाना। तो एक तरह से कह लें कि मच्छर अगर ख़त्म हो जाएंगे तो कई ऐसे कीट पतंग हैं जैसे छिपकली है, मेंढक है, इन सब प्रजातियों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।